अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम बैक। आज की वीडियो का टॉपिक है कॉरिडोर टॉप एंड एटम सर्विसेज पार्ट ड्यूल कैरिजवे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक इसमें काम किया था। आज हमने जो इसमें करना है वो हमने अपने कॉरिडोर के जो है वो टॉप सर्विसेज वगैरह जो है वो ऐड करने हैं इसमें। तो यहाँ पे ये जो कॉरिडोर के स्टाइल वगैरह के आप लोग देख सकते हैं कि इसको स्टाइल वगैरह अगर आपने साइन करना है तो आप अपना बना सकते हैं इसमें। ओके, ओके। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं। आज जो हमने इसमें सर्विसेज क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले जो है हमने ये जो है अपना इसमें सेक्शन जो है इसको मैं एक दफा हटा देता हूं ताकि हमें पता चल सके कि इसमें ये सर्विसेज जो है वो कैसे क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉरिडोर है इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। हमारे पास सिर्फ एग्जिस्टिंग सर्फेस बची है। एग्जिस्टिंग सर्फेस को मैं थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास एग्जिस्टिंग सर्फेस है। अभी हमने जो है अपने कॉरिडोर के लिए टॉप सरफेस क्रिएट करनी है। ओके, तो कॉरिडोर प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने अब टॉप सरफेस क्रिएट करनी है पहले। तो टॉप सरफेस के लिए आपने जो भी अपने पास स्टाइल वगैरह है वो असाइन कर लेना सरफेस को, और यहाँ से आपने टॉप लिंक ऐड करना है। यहाँ पे टॉप लिंक को आपने क्लिक करना है, अप्लाई करना है, ओके करना है। ये सरफेस आपकी ड्राइंग में बन जाएगी। अभी जस्ट आपने इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपने किसी भी सैंपल लाइन को सिलेक्ट करना है, सैंपल मोर सोर्सेज में जाना है, और जो सरफेस बनी है उसको आपने सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना जो भी स्टाइल है वो असाइन करके इसको आपने इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये सरफेस कुछ इस तरह से बनी है, जबकि हमारा जो असम्बली है वो कुछ इस तरह से है। ओके, असम्बली अगर देखें तो असम्बली इस टाइप की है। इसमें मीडियन है और इसमें सुपर एलिवेशन वगैरह है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसमें क्या चीज क्रिएट हुई है और क्या बाकी है। तो अभी इसमें ये जो टॉप लिंक है ये क्रिएट हुए हैं जस्ट। ओके, और इसमें मीडियन क्रिएट होना बाकी है और ये स्लोप क्रिएट होना बाकी है। तो वो भी हम करते हैं, इसमें एडिट करते हैं इस सर्फस को दोबारा। ओके, आपने इसको एक्सपेंड कर लेना है कि इसमें देख लें क्या क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है राइट मीडियन की भी सरफेस है और लेफ्ट मीडियन की भी सरफेस है। ये सरफेस जो हमने लिंक लगाए थे मीडियन के लिए, स्लोप के लिए, ये उसी से प्रिपेयर हो रही है। मैं जहाँ इस पे जस्ट अप्लाई करके ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मीडियन की सरफेस जो है वो क्रिएट हो गई है। अभी जस्ट जो है यहाँ पे ये जो आपका ये जो स्लोप का लिंक है अभी इसकी सरफेस क्रिएट होना बाकी है। तो मैं दूसरे सेक्शन में जाता हूं। यहां पे हमें क्लियर ये चीज नजर आएगी प्रॉपर्टी। ओके, यहां पे मैं इसको एक्सपेंड करता हूं और यहां पे मेरे पास ये साइड स्लोप है, इसका लिंक है। ओके, अप्लाई अप्लाई। ओके, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं यहां तक की जो हमारी सरफेस है वो टॉप सरफेस क्रिएट होगी है, यहां से लेके ओके यहां तक। ऐसे स्टार्ट है, यहाँ पे जाके ये डिप्रेस होता है, यहाँ पे फिर ऊपर की तरफ आता है और यहाँ पे जाके ये इस पॉइंट तक का ये पूरी टॉप सरफेस हमारी बन गई है। अभी हमने जो इसमें बनाना है वो हमने बॉटम सरफेस बनानी है। सेम प्रोसीजर है, कॉरिडोर प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे कॉरिडोर प्रॉपर्टी में आपने इसको न्यू सरफेस बनानी है। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ बेस का या डेटम का, जो भी आपको अच्छा लगे आप नाम दे लें इसमें। और यहाँ पे आपने इसका स्टाइल असाइन कर देना है। यहाँ से आपने बॉटम लिंक या फॉर्मेशन जो भी आपका लिंक है वो आपने ले लेना है। मैंने जहाँ पे फॉर्मेशन लिया है अप्लाई, और यहाँ पे मैंने बॉटम लिंक लिया है अप्लाई। बाउंड्री में यहाँ पे अगर आपको जरूरत है तो आप ले सकते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे ये सरफेस हमारी बन गई है, अभी हमने जस्ट इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सेम प्रोसीजर है, आपने सैंपल लाइन को सिलेक्ट करना है, सैंपल मोर सोर्सेज में जाना है, यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक करना है। डेटम ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेटम मैंने ऑलरेडी रखा है इसके लिए एक स्टाइल। अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी जो सरफेस है डेटम की, ये यहाँ तक बन गई है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, अभी हमने इसमें कुछ और चीजें ऐड करनी है। यहाँ पे मैं कॉरिडोर में फिर जाता हूँ और यहाँ पे सर्फसेज है, सर्फसेज में मैंने बेस सर्फस को एक्सपेंड किया है। यहाँ पे अगर हम देखें, अभी तो फीचर लाइन है, फीचर लाइन में हमारे पास जो है अभी ये एक टॉप पॉइंट की फीचर लाइन है। मैं जस्ट इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या चेंज आता है। तो यहाँ पे अभी इसमें कोई चेंज नहीं आया है, ओके नो प्रॉब्लम। कॉरिडोर प्रॉपर्टी ओके, स्टैंड बाउंड्री सर्फसेस ओके, और यहाँ पे ये जो प्रो लिंक है ओके, मैं इसको भी इसमें ऐड कर देता हूँ। अप्लाई अप्लाई ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी ये जो है सरफेस को इसने टारगेट कर लिया है और ये सरफेस नीट एंड क्लीन सरफेस जो है वो हमारी बन गई है। अभी मैं इसमें कॉरिडोर को ऐड करता हूँ और हम देखते हैं कि इसमें अगर हमारी कोई चीज बाकी है तो हम इसमें वो भी ऐड करते हैं। ये हमारी कॉरिडोर है, इसको मैं जस्ट अप्लाई करके ओके करता हूँ, तो यहाँ पे ये सेक्शन ड्रा हो जाएंगे एज इट इज। तो यहाँ पे ये जो है, ये लिंक जो है, ये लिंक फॉलो नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इनको हमने कैसे सेट करना है, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट में मैंने कोड असाइन किया है ओके, वो कोड हम इसमें ऐड करेंगे तो ये सरफेस हमारी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे अभी तक हमने फॉर्मेशन और टो लिंक ऐड किया है, अभी हमने इसमें जो है फीचर लाइन ऐड करनी है। फीचर लाइन के लिए मेरे पास यहाँ पे कोड 8 है और यहाँ पे 9 है ओके, ये 8 ऑलरेडी इसमें आ गया है ओके, और 9 इसको हमने यहाँ पे असाइन कर देना है। मैं जस्ट इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये सरफेस हमारी कैसे अपडेट हो जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा मीडियन जो है यहाँ पे ये बन गया है ओके। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे भी बना है कि नहीं बना है, यहाँ पे भी ये बिल्कुल जो है एक्यूरेटली बन गया है। किसी भी सेक्शन पे आप चेक कर सकते हैं इसको कि ये बना है या नहीं बना है ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो मीडियन है, इसके ये जो कट्स वगैरह हैं, इनकी हम सरफेस कैसे बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।